शाह ने लिखा है हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, क्योंकि मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की सांसों में बट रही है, सखावत हुसैन की बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। और अफजल है कुल जहां से कराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, इकबल की थी हुकूमत बस यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। अहबाब ज़िवकार कुछ लोग पूछते हैं जनाब हुसैन पाक का बड़ा जिक्र करते हो, तो मैं क्या तू नबी पाक की जुबान चो फरमान नहीं सुनया, अल हुसैन मिन्नी वा अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। सादा तर्जमा कर दें, सरकार फरमाते ने हुसैन मेरा मैं हुसैन दा, हुसैन पाक की इतनी शान है, मैं क्या दसा हुसैन पाक मेरे आका मौला हुसैन की शान कितनी है, आंदा कितनी, मैं क्या सुन आंदा दस, तवज्जो करिया जे आबाबे दी वकार, पत्थर दिल बंदा जेड़ा सीने च पत्थर लेके बैठे होया इंशाल्लाह इस जुमले ते जरूर बोलेगा, मैं क्या हुसैन पाक की शान है रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछना है हुसैन की, रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछना है हुसैन की, है हुसैन दी मां नबी दी धी है अजे भी पूछना है हुसैन की, है हुसैन गोदे नबी च फलिया है तीसराए इमाम झलिया, हुसैन पंज तन दा पंजवा जी है अजे भी पूछना है हुसैन की, है मिलके नारा लाया जे करबला का शाह हुसैन, के बोलना है वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। मैं दावत खिताब देता हूँ खतीबुल इस्लाम मुफ्ती पाकिस्तान महबूब अवाम वाजिबुल एहतराम दिलों की धड़कन दरवेश आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर पीर मोहम्मद सुलेमान बिस्वाही खादमी दामत फ्यूज़ुहुम, आइए आपके मलफूजात आलिया समात करते हैं गूंजदार नारों के साथ मोहब्बत के साथ, जरा इस्तकबाल पर पता चले किस तरह डॉक्टर साहब की सदा से आपकी आवाज़ मुबारक से किस तरह हजूर का जिक्र खैर सुनने के लिए अहलियाने गुरे वाला बेताब हैं। बड़ी बड़ी दूर से माशाल्लाह लोगों ने मुझे काले करके बताया, कोई 20 किलोमीटर से आया है डॉक्टर साहब को सुनने के लिए, कोई 25 किलोमीटर का सफ़र करके आया है, मोहब्बत के साथ नारा तकबीर आखिर तक जितने भी अहबाब खड़े हैं बैठे हैं नारा रिसाल नारा हैदरी नारा गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब वरीद ताजदार खत्म नबूव। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुत्तकीन أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
فلا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الامين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق ما لمن نلوز به سواك عند حلول الحادث العام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله अब थक तो नहीं गए, कोई नाराजगी तो नहीं है। एक बार दुरूद पाक पढ़ा है, एक बार मजीद पढ़ेंगे, लेकिन आपने पढ़ के बताना कि हमने वाकई पढ़ा है, ठीक है। सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह अला अलिका असहाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। माशाअल्लाह, अरे ये पंखा बंद कर दे, मुन्नु मजारी हो गई, नहीं बंद कर दो, असी भी सारे दिन आ नहीं आने, ठीक है, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हाजिर हुए, शिक में मुबारक से कपड़ा उठा के दिखाया, अल्लाह के रसूल में पत्थर बांध बांध के खंदक खोद रहा, आपने उठा के दिखाया, फरमाया तू एक बने हैं, मैं दो बने हैं, तो है जो तुसी गर्म ही रहे, रसी गर्म ही रहे, कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है जी, अच्छी कोशिश की थी आपने, एक बार मजीद करेंगे, ठीक है, जितनी मोहब्बत है ना सारी गरीब और वो कहते हैं ना जी जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा, ये तो पहले ही बड़ा मीठा है, अब पढ़ते हैं ना मीठा मीठा है मेरे मोहब्बत, ये पहले मीठा, अब थोड़ा सा तवज्जो का मीठा और डाल दें तो फिर नूर नूर हो जाएगा, और आप जितना जितनी अकीदत से पढ़ेंगे, जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे, कर्म भी उतनी ज्यादा होगा, ठीक है जी। वो अक्सर जरा पग शग इस तरह की बंधी हुई है तो लोग समझते हैं वो बड़े पहुंचे पीर, बड़ी पग बांधने से नहीं पहुंच जाता है, पहुंचता तो बंदा अमाल से है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुखी है कि हमारा पढ़ते हैं इतने ही बस करते हैं, लेकिन आगे असल बात आ रही है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो वली होगा वो ईमान वाला भी होगा, वो तकवे वाला भी होगा, ठीक है। वो आदि आदि पढ़ने से नुकसान ये हुआ कि सारे दुकानदार वली बन गए, हमने पढ़ी जो आदि हमने आगे बताया है कि भाई अल्लज़ीना आमनू वली ईमान वाला कोई बदअकीदा वली नहीं हो सकता, कोई बदअकीदा कोई ईसाई वली कोई हिंदू वली नहीं, वली की पहली शर्त यह है वो ईमान वाला होगा, और दूसरी शर्त यह है वो कानूनियत तक वो अमल वाला भी होगा, तो फिर इसका नतीजा ये निकला जितने पंगड़ मंगड़ चंगड़ नंगे काछियां सारे वली बन गए, हमने जो आदि पढ़ी है हमने पूरी बात बताई, वली ईमान वाला भी होगा वली तक वाला, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है अल्लाह के दोस्तों से मिलने का, ठीक है, मुझे बहुत शौक है अल्लाह के दोस्तों से, जहाँ जहाँ किसी ने बताया हम जरूर गए, मेरे एक दोस्त थे वो एक जगह के लिए अक्सर मुझे कहा करते जी तुम किस दिन खड़ना तो तुम बड़े खुश हो, वो शेड्यूल साइड का बन गया, मैंने उनको भी गाड़ी का साथ रखा, मैं चलो चलो नाले देवी दे दर्शन नाले वंजा दे वफा नाले तकरीर करांगे नाले बाबे भी खड़ेगा, मैं गया तो मैंने कहा तेरी खैर एक त्यार उलमा को गालियां शरीयत के तान अजीबो गरीब बनते बरा मैं कल्ला सा हुआ भाई जान, ठीक है वल फिल फंत व शब्द मिन अल पत छुप कर गटे गया
कोई नमाज नहीं, दिन सर सर के थे, जोर का वक्त तंग हो रहा था, बहाना बना के उठा जाके जोर पड़ी, फारिग हुआ था, सर्दी हो गई, पड़ के वापस बड़ा आला किस्म का खाना खिलाया गया, खरगोशा ना गोश्त, फलाना फलाना गोश्त। तो जब हम वापस निकलना, तो मुझे दोस्त लेके गए थे, मुझे कहने लगे हजरत फिर किस तरह दे लगे बाबे, मैं तू ऐ छेड़ दे तेरी मेरी यारी टूट जाए, उन्हें सिर्फ ऐ दस बाबे हरी नमाज नहीं पढ़ते। तो मुझे कहने लगे इस भाई सब निकले हो ना, फिर मोल मोल बाबे हरी दिल दी पढ़ दे। मैं क्या खबीसा, मेरे सामने बाबे हरी ने चार नान ते किनिया प्लेटा बोटियां दी खाजड़ियां ने ओदू दे लगे दे दे हैं, ये जी जी तमाशा लगा है। मुझे खुद उसने बताया कि बाबे हरी ने चार बोटियां दी 17 याने हैं, मैं वो चार बोटियां दी 17 याने वाली दिल किते गया, ये दिल नमाज वाली आ रही है, तो दिल बाद बाद नमाज दिल दी पड़ता है, बाकी दिल ना कख नहीं होता है, चार नान बोटियां डबा डब चार बोटियां 17 याने नमाज वाली दिल लग गया। तो क्योंकि हमने आदि पड़ी अल्लाह इल्ला अल्लाह अल्लाह ला खौफ अलैहि वला हुम यहज़नून, पूरी बात बाद में नहीं आती है, अल्लाह जी नाम कान कान वली ईमान वाला भी होगा, वली अमल वाला भी होगा। आदि पढ़ने से फिर नुकसान ये हुआ कि दुकानें चली चली, लेकिन मियां साहब ने भी यही बात किया, फरमाते हैं एथे इल्ला कावा रंग ले पार पार। इस भाई साहब को 7 मीटर दी पग बंधना बंदा वली दे नहीं, एथे इल्ला कावा रंग ले पार पार, बाजारों मिलदी जेड़ा मर्जी बात, मैं केड़ी क्वालिटी सही बनी, मैं डिगे से दे वाली दे, ये कौन सा उनका काम, शीशे के सामने खुलो के आप थोड़ी सी ट्राई करेंगे, हो सकता है मुझे अच्छी बात मिले, एथे इल्ला कावा रंग ले पार ते बन बन बंदे मोर वेग के थे तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जो है। इकबाल हजरत को आप फरमाते हैं तुम इज्न अल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए, कौन भी इज्न अल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में गोरगन या जावर रह गए हैं, वो नारा जो खानकाहों की जीनत थी, जो खानकाहों का निखार था, जो खानकाहों का हुस्न था, वो दो उस रह गए, रबी लवर रह गए, 10 मरम रह गए थे, अल्लाह अल्लाह रह गए, उन ते लात है नहीं, मुंजी वध जे तो उर्स मुंजी कट जे तो, अब तो यही हो रहा है, हमारा तो रोज का काम है ऐसी ऐसी। मैं उस दिन एक जगह गया, मुझे मुरीदा ने घेर लिया सारे, तो पीरां दी करामत सुना, मैं सुनी मैं चुप कर गया, एक ने मुझे करामत की सुनाई, कहना मेरे पीरां दा कमाल है, की होया ये बार 11 दिखा दिखा यार, ये 10 कहते डकैती पड़ी सारियां लुटकतियां मेरी बच गई, उसको तो मैंने नहीं कहा, मैं दिल से ख्याल किया था मौसा तेरी बड़ी चोर थक ही गए हो, उसको तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हो सकता है तेरी बड़ी पुलिस आ गई, यही काम, लेकिन हमारे जो इस्लाफ थे उनकी करामतें ये थी जो उनके पास जाया करता था वो दाढ़ी वाली वाला, हमारे बड़े की करामतें ये थी जो उनके पास जाता था वो नमाजी, हमारे बड़े की करामतें ये थी जो उनके पास जाया करता था वो तहज्जुद वाला वाला, वो अमन वाला वाला था, वो किरदार वाला वाला, उन करामतें इन्हें कि आजकल पीरां दी करामत एक दुकान नहीं रखी गई है, अजीब तमाशा लग लग है, इसलिए हजरत जरा ध्यान से है, एथे इल्ला कावा रंग ले ते बन बन बंदे मोर वेग के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जो है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला का दौर मुबारक था, दो बंदे ना हजरत आप पहले मूड पे रखे, जैसे पहले था ना वैसे कर दे आप इसको, वो घर से ना इरादा ये करके निकले भाई ऐसी हजरत जुनैद बगदादी कल जाइए थे आप सामने दो से दें दें तो फिर वली वली, पहली बात अल्लाह के दोस्तों को चेक नहीं करते हैं, मैं एक ही को कुरान तो ये तो शोध दे हैं सारे, दिल का हाल बता दें जिस बंदा वली बने, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਵਲੀ ਮੰਨ ਲਈ ਵਲੀ, ਸ਼ੋਭ ਸ਼ੋਭ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇਹ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹੈ, ਚੰਦ ਅਮਲ ਐਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਬਤਾਨੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਆਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕੁਰਾਨ, ਬਸ ਬਸ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
نیا ایک قرآن سن عمل تقوی عقیدہ بس یہ نیا پہلی بات اللہ کے دوستوں کو چیک نہیں کرتے اللہ کے دوستوں کو چیک نہیں کرتے ان کا جی سیف دین تے ولی ولی وہ جب حاضر خدمت ہوئے نا حضرت جنید کی بارگاہ آپ نے خادم سے فرمایا بھائی سیف تے لے کے آ انہوں نے کہا لے لے ادھے ولی ہو گئے ادھے ولی ہو گئے ان سانو دین کے تے پورے آپ نے پھر ایک بات سنائی آپ نے فرمایا میرے بچپن میں بغداد شریف میں ایک شخص تماشا دکھایا کرتا اور تماشا کس طرح دکھاتا تھا وہ سارے لوگوں کو جمع کر لیتا اور اس کے پاس ایک گدا تھا وہ گدے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا اور اپنی انگوٹھی اتار کے نا مجمع میں سے کسی بھی بندے کو دے دیتا اور اپنے گدے سے جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی تھی اس کو کہتا جا انگوٹھی لے کے آ حضرت جنید فرماتے ہیں جس کے پاس انگوٹھی ہوتی نا گدا اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا آپ نے فرمایا اونے تانوں سیب نہ دواں تے تہاڈے نزدیک ولی ولی جے تانوں سیب نہ دواں تے تہاڈے نزدیک تے جے میں تانوں سیب دے دیاں تے ولیاں دے نزدیک میں گدے والے دی کراں کمال قرآن الذین آمنوا وکانوا یتقون الذین آمنوا وکانوا ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دی آئی مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی شمعِ کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں یہ ہمارے سال کو ایک مزار ہے بابا لاہوری شاہ بڑے صاحب تصرف ولی اور ہر وقت نہ حضرت پہ جز جگہ لگا رہتا تھا کبھی کبھی حضرت ہوش میں آتے زیادہ مجبور بھی رہتے تھے کبھی کبھی سالک بنا کرتے تھے اور حضرت کا انداز تھا جنہوں پنجابی چاہیے آکھاں کہ حضرت پیرہ پار بار بار کبھی کسی نے آپ کو زمین پہ بیٹھے نہیں دیکھا پیرہ پار بار بار اکھاں بند کر کے پیرہ پار بار بار وہ ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ ہی ایک قصبہ ہے اس کا نام ہے آگو وہاں کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا سائیں جلال سائیں بعد میں بنے پہلے جلال تھے وہ کیا ہوا ہوا وہ کسی ہندو عورت کے ناشاں کو اپنی اکھاں بڑیاں سام کر کیونکہ ہر فتنے سے پہلے آنکھ نگاہ پڑے گی فتنہ پھر شروع ہو گیا ان کو سنبھالو ان کو سپیشل جو نوجوان ان کو سنبھالو اوکھا دور ہے سوکھا دور تھا اندھا چاہ ادھر تو چلو جنو بھی حالات بڑے ٹھیک ہیں اقبال تو وہاں گئے جائیں کپڑے کوئی اقبال تو وہاں گئے جائیں تو پوچھا اقبال تھے تھے کپڑے کوئی ہیں کی بڑی اقبال کہتا ہے میں نے کھا کھا دیسے پوچھا کیا تو اقبال کہتے ہیں ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ میں نو نہیں اور نگلہ مجھے نگلہ منو جس سے کوئی وہ اقبال کیسے تو انگلینڈ میں تھا نہیں نظر آتا اچھے کس ہیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اللہ اکبر یا محمد اب بدری بچے کا بچے کا وہی جی ایک اک کھا کے مدینہ تے دوجی کھا کے نجم باقی کی بچے گا یہ فتنہ سر چڑھ کے بولے گا یہ خط خط نبی علیہ السلام نے پہلے اس فتنے سے آگاہ فرمایا حدیث فرمانے مبارک کا مفہوم ایک وقت آئے گا لوگوں کو قبلہ دو چیز بنے بنی محبوب کیا فرمایا مال عورت اس دور کا فتنہ جو دن بدن زور پکڑ رہا ہے دن بدن کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں دن بدن لباس چست ہوتا جا رہا ہے وہی بچے گا جس کے پاس یہ دو سروسیں ہوں گے خاک مدینہ ہو جس کے پاس کسی کا ساتھ ہو میں کسی کھانے بیٹھا ہوں میں ہمیں تھے تو تھے ہاں بڑا بھائی ظاہر ہے جتنی فین فالنگ ہے میرے لیے فتنہ بھی اتنی زیادہ ہے میرے لیے فتنہ بھی اتنی جتنے چاہنے والے زیادہ ہیں فتنہ بھی اتنی میں تے ڈر دے مارے داڑی نوں کھڑی لاندا کہ بابا بابا پیا لگا عمر تے میری بھی 38 سال میں تے ڈر دے مارے کھڑی لاندا کہ ساری چٹیے تے لوگ چھڑ دے نہیں ہے کہ کاری کر لگی بنائی
मैं तो डर दे मरते कुछ नहीं लगाता, उम्र तो मेरी भी 33 साल है, जवानी है मेरी। यूं जी बाबे बाबे बड़ी बड़ी एंड बहुत फितने हैं बच्चे, कई बार हजरत हम डगमगा से जाते हैं कुर्बान जावा, मैं नवा मेरा मुर्शिद, हम भी डगमगा हम भी फिसल जाते हैं, पटरी से उतर जाते हैं। मैं बिल्कुल बेटा आपको सच कहने लगा, इसमें इतना भी ना मुझे मुझे बोलने की, बोले वो अल्लाह का शुक्र है, देखे ना मोहब्बत है, लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मुझे किसी को फंसाने की क्या जरूरत है, अल्लाह ने वैसे कर्म कर दिया तो असी भी कई बार ना ट्रैक रख जाते हैं। हैं जी तो इस तरह लगता है कि पीरो मुर्शिद पीछे खड़े होते हैं तो कहंदे की ने बस सुलेमान एक ही करन लगा जुमे वाले दिन केड़े मुंह ना नबी अलैहि सलाम दे मिंबर ते बैठ गए, वही बचेगा जिदे पीछे को बचाना है। ये बाबा जी शेर मोहम्मद शरफुल शरीफ लिखा, आपका मुरीद था तो किसी किसी औरत पे आशा हो, लेकिन करम रा नस्बत की बारें थी, कभी तन्हाई नहीं है सर, अल्लाह ने जिना से बचा चाहा मौके ही नहीं। वो एक दिन कहीं बाहर खड़ा था तो उसका खामना सर पे गठरी रख के जा रहा था, पूछा वे भलिया किथे, उन्हें कहा पीछे जाना पै गया तो जुम्मे जुम्मे वापस आ, उन्हें कहा लै लै किस्मत कैसी मेहरबानी, एक भी नहीं तीन रात मुंह काला काला, उधर से भी पैगाम आया भाई साईं घर कोई नहीं तो जुम्मे नु वापस आना। वो जो पहली रात पहुंचा ना सारा गांव सो गया, पहुंचा तो क्या देखता उसका खामिन दरवाजा खोल के अंदर जा रहा है, डर के भाग गया, उसने कहा वापस आ जा। अगले दिन दूसरी तरफ से पैगाम आया तो आया नहीं, उन्होंने कहा मैं तो आया था लेकिन मेरे आने से पहले वो आ गया। उसने कहा तेरे अंदर का खौफ है जुम्मे से पहले नहीं आना, उन्होंने कहा अच्छा कल कल। अगली रात फिर गया तो क्या देखता उसका खामिन वो नंगी तलवार लेके ना छत पे टहल रहा है, उन्होंने कहा ले आ भी गया तो पता भी लग गया, फिर नस नस। अगले दिन फिर पैगाम आया, दो रातें जाया कर कर एक रह गया, आया उन्होंने कहा मेरे तो पहले वो आ गए नंगी तलवार लेके पैरा देने मेरे टोटे करवाने, उन्होंने कहा वो तेरे अंदर का डर है, उन्होंने जुम्मे से पहले आना, उन एक रात रह गई है जाया जाया, उन्हें कहा जी भावे बुआ खोले तो भावे कोठे पे बैठा रहे मैं ना दिमाग आ वो थी जुमे रात शबे जुमे पीरा दे महफिल शरफ शरफ बाबा जी शेर में महफिल ते जाने जाना, उन्हें कहा महफिल ते जावांगे सलाम पढ़ांगे दुआ दे शामिल होवांगे लंगर खावांगे सीधे उठे आज नहीं कल ना जो मर्जी हो जाए, महफिल हो गई सलाम हो गई दुआ हो गई लंगर खा लिया। वो जब लाइन में लगन लग पीरों का हाथ चूमने के लिए हाथ चूम के छड़वाया थे आपने हाथ फट के इशारा किया लागे नेड़े आते कांच फरमान लगे भले आ वो बाद आया सानू किन्नी वारी सिख बनाना है हाय हाय बाद आज सानू किन्नी वारी सिख बनाना, दो रातां लंघ गईयां ने सिख बन के अपना मरीद बचाण दा, ये वही बचेगा बाकी नहीं बचेगा कोई भी, ये फितना सर चढ़ के बोले सबसे खतरनाक इस दौर का फितना है, तो बेटी है तो बहन है लेकिन अगर थोड़ा सा रिश्ता बदला तो इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं है, बेटी है बहन है लेकिन अगर ये थोड़ा सा इससे बढ़ के फितना, तो इकबाल ईरान कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग सुरमा है मेरी आंख का खाकी मदीना, पुत्र जितने नौजवान बैठे हो सरगी उठी हो सुरमा मंगा ते मेरे लिए मंगना है अपने लिए नहीं थले आने मेरे लिए या अल्लाह मिस भाई भाई रोज पुत्र उतर के अल्लाह हमें जिना हर किस्म के जिना से बचा ले, अल्लाह हमें हर किस्म के जिना, देखो ना जितने भी गुनाह हैं इनका करना करना ये वो गुनाह है जिसके लिए क्या वाला तकरबुल जिना ए दे नेड़े नेड़े इतना खतरनाक है, अल्लाह हम सब सब बचा ले, अल्लाह निकाह की तौफीक अता फरमा। उधर जी वो निगाह पड़ी अब थी फैमिली को मुसलमान फैमिली होती तो चार बारे मिल मिलके को निकाह की सूरत हाल में है ही नहीं हो ही नहीं सकता, जिद जिद इधर उधर इस्लाम उधर कुफ्र लेकिन दिल को चैन आए कोई ना, वो किसी बेली नाल मशवरा किया उन्होंने कहा जी कर कर बाबा लोग इशारा कर बाबा बड़ा मकबूल है क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ अल्लाह के बंदे इस तरह के हैं अगर किसी चीज की कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम जरूर पूरी करता है,
बाबा लोगी शौना रुखा चुए जो निकलिया हो के रहे मकबूल है उस बारगार में तू थे थोड़े वो ना वो ना बाबा लोगी शा ऐसे बैठ बैठ ये ए ए ए बैठ कभी किसी ने जमीन पे बैठे बैठे ए बाबा लोगी शा एंजी बाबा लोगी शा बैठे वो उस वक्त तो साईं जलाल नहीं थे अभी सिर्फ जलाल ही थे वो थोड़ा पीछे बैठ गए हजरत जस कम हुआ आंखें खुली देखा सामने बंदा बैठा इशारा किया लागी हो वो लागी होया पूछा भाई क्यों आया उसने सारी बात अर्ज कर दी हजरत हिंदू कुड़ी आपने डांटा शर्म नहीं आनी तुझे अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया कैसी बकवास कर जा दफा हो जाए ये क्या कह रही आंखें बंद कर गई बेचारा दिल के हाथों मजबूर था नहीं गया थोड़ी देर पर फिर आंखें खुली बंदा बैठा फिर इशारा किया लागे वो लागे फिर पूछा उसने वही बात बताई हजरत ने वही बात जा निकल जाते फिर नहीं गया तीसरी बार हजरत ने फिर आंख खोली और इशारा किया सामने आ गया हजरत ने फिर पूछा उसने वही बात सुनाई लेकिन हजरत ने नहीं की पहले पहले पूरे जोर ना खब्बे आते चंड में वो ये सीधा नहीं होया जो सज्जे दी सोटी सोटी जिमे हजरत बैठे सन ना साईं जलाल उली उंगी बह गए वो बेटा घर नहीं आया बाप को नींद ना पड़े बड़े लोग की सोखी रात गुजारी सुबह उठ के तलाश की दोस्त के पास गए पूछे ओ जलाल दा पता उन्हें ऐ नहीं आख्या कि मैं भेजे मैं ओदा बेड़ा रोड़े उन्हें कहा कहन दिया सी मैं बाबा लोग इच्छा जाना देखो कि कोथे ना होए पियो पहुंचे अंदर की देखदा है साईं ए बाबा लोग शाह ते सामने जलाल पुत्र कंडू पछाणे जांदे उन्हें जाके ना ते पिछू ला गया ओ पुत्रा जलाल उठ घर चली उन्हें जलाल नहीं साईं जलाल उन्हें पीछे वेख पूछा कौन जलाल प्यो ने आख्या पुत्र तू जलाल उन्हें कह दी पहली चंड मारी सी ना कुड़ी कड़ छड़ी दूजी मारी जलाल ने कड़ छड़िया क्या बात है परी रही जनू रहा है कभी तो हजरत खान का में ये हुआ करता था अंदरू दुनिया खान काओं में गौर गंजा मुजावर लेकिन ये नहीं कि जी सारी जगह ये इंजन नहीं बढ़िया जगह दीवे बदल और ये कयामत तक जलते रहेंगे अल्लाह को अपने महबूब की उम्मत से बड़ा प्यार है अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा यहाँ बंदे आते रहे यहाँ बंदे आते रहेंगे मैनू नहीं पता दो तकरीर ने दो तकरीर ने कोई नहीं हो जाता दो खती भी आ जाने कभी कभी तो जो تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اس لیے بڑا معیار ایک ہی رکھنا ہے الذین آمنوا وقاموا یہ ولی ایمان والا بھی ہوگا ولی عمل والا بڑا اتھے اللہ کاماں رنگ لے پر تو پگے دے رواں وڈی تے لوگ سمجھ نہیں کو بڑے پہنچے دے تے لوگ آگے اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں جس کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی ہاں یہ کوئی درویشی فقیری کے بچوں کا کھیل اوکھی کھاٹ فقیری والی تے چڑھ سٹنے تے بیٹھ یہ تو ہم نے مذاق بنا دیا ਦਿਨ ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੂਟ ਬਦਲੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰੇ ਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਹਮੇ ਹਵਾ ਔਖੀ ਖਾੜ ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਚੜ ਸੂਲੀ ਤੇ ਬੈਠ ਇਸ਼ਕ ਵੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ ਗਾਲੇ ਅੱਗ ਮੀਆਂ ਸਾੜ ਛੜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਕਹਤਾ ਕਹਤਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ
ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਗਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਦੇਣਾ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਇਤਨੇ ਸਸਤੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸੇ ਬਾਹਰ ਇਤਨੇ ਸਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਇਤਨੇ ਸਸਤੇ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ਼ਕ ਪੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਵੋ ਆਤਿਸ਼ ਵਾਲੇ, ਲਗਾਏ ਨਾ ਲਗੇ ਬੁਝਾਏ ਛਾੜ ਛਾੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕਾ ਤਰੀਕ ਰਾਇਆ ਹੈ, ਵੋ ਮਜਾਜ ਕੇ ਰੰਗ ਮੇਂ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਂ ਵੋ ਲੈਲਾ ਨੇ ਨਾ ਅਪਨਾ ਨੌਕਰ ਦੇ ਕੇ ਮਜਨੂੰ ਕੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਾ ਜਾ ਮਜਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਲਾ ਨੇ ਗੋਸ਼ ਮੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟ ਛੁੜੀ ਪੱਲੀ ਹੋਲੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਜਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਲਾ ਕਹਿਣ ਡੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੋਸ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਮਜਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਗੋਸ਼ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਲੈ ਲੈ ਬਈ ਲੈ ਲਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈ ਯਾ ਅਯੇਸ਼ਕ 'ਚ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਯਾਦ ਫਰਮਾਤੇ ਸਈਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਸੱਦੋ, ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪੋ ਹੀ ਰਾਂਝਾ। ਜਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਾ ਪਾਏ ਜੋ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਾਏ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚੜ ਚੜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਾ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਾਏ ਇੱਥੇ ਆਣ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੜੋ ਐਵੇਂ ਬੜ ਬੋਲਾਂ ਵਾਂ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਰਾਤ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੋ ਰਾਤ, ਹਮ ਤੋ ਰਾਤ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਭੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਜਾਂ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਥੇ ਰਾਤ ਆਏਗੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬਿਆ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬਿਆ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਠਿਆ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਖੂਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਵਾਪਸ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ ਜੋ ਵਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਲਾਰ ਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਬਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਹਾਏ ਪਿਆ ਹਾਏ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪ ਰੂਪ ਰੂਪ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏ ਚਲੇ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹ ਵੋ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਸੇ ਬੁਝ ਜਾਏ ਯੇ ਉਸਕੀ ਦੀਦ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਸਕੀ ਦੀਦ ਸੇ ਬੁਝੇਗੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕਹਤਾ ਮੈਂ 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 ਕਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
हाँ भाई हजरत जनाब सिद्दीक अकबर बदर बेटे ने उधर से लड़ी, आपने बेटे ने निशाना लिया, तीर चलाया, बाप की मोहब्बत कुफर पे गाले भाई अत कम गया, तीर नहीं लगा, बाद में ईमान कबूल किया। ये वो मुबारक भर रहा है, सबने उनकी गुलामी का कलमा पढ़ा। बस वो एक दिन बैठे थे तो अर्ज करते हैं, बाबा अबू जी बदर चतुशी मेरे तीर थले निशाना लैके छड़िया भी तीर कुफर उसके प्यो की मोहब्बत गल गल गई हथ कम गया तुसी बच गए। आपने फरमाया तो अपने कुफर में कंचा था, तो अपने कुफर में हाँ, इसलिए कुफर पे बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। लेकिन सुन अबू बकर उनकी मोहब्बत में कच्चा कोई नहीं था, तू मेरी तलवार की जात में आता मैंने तेरी गर्दन उड़ा दी। अल्लाह हन हन या ठीक है, इसलिए जी अमल अमल बने बेटा। तो वो जो मैं बार बार पाकिस्तान के देख के ना सारे कहते हैं बड़े पहुंचे हुए पीर ने, तो अक्सर मुझे कुछ अहबाब ना ए हजरत जी इसमें आजम दस, तो मैं कहना यार जे मेनू एडा इसमें आजम आंदा तो मैं एडी गर्मी च बूरे तकरीर करदा हुंदा, मेरा भी दुआ करदा हुंदा, मैं भी ऐसी ला के फिर मरीद भी ग्रुप पे नहीं आ बैठ खड़ा हुंदा सामने कालियां मिर्चां दे देसी घी होज पकया गोशत दा चोरा हुंदा, मैं एडी गर्मी च बैठ के ते लगा नहीं बाग बाग रड्डू आंदा ए रही ते की लैणा जिन्नू आंदा हजरत ओ दसदा अबल ते को लबदा नहीं परे प्याले वाला, अबल ते को लबदा नहीं परे प्याले वाला, जे को लब जाए ते देंदा नहीं एक नवा वाला। ये भाई थोड़ा जेहा बस हैं बस वो फिर मैं कह देता, मैं भाई इसमें आजम ते नहीं पता, बस किसी को एक गल सुनी ओ तेनु दा चढ़ना, ओ इसमें आजम ही समझता हूं मैं इसमें यार को, इसमें आजम ही समझता हूं मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते, बस खराबी ये है हम कहते नहीं है। सानू आज को बंदा दसे ना चीचा वतनी के छपड़े ते मैं ओदे च नाता ते ठीक हो गया, सारे बूढ़े ने बसां करा के नान डर जाना, यही हाल है आज को आखिया के जनाब खाने वाले छपड़े ते मैं जनाब ओदे च एवें जांदे ने ते पैर ते लग्या ते मैं डिग पिया, बस डिगा ही ते मैं ठीक हो गया, सारे बूढ़े वाले ने जा जा के डिगण, कर कुरान पिया कोई नहीं खुले, कर मुसल्ला पिया कोई सजदा नहीं करे, कर तस्बीह पई है कोई दुरूद नहीं पड़े, बदबख्ती हमारी नहीं पढ़ो 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 हैं हैं अब पढ़ेंगे ना जी दुरूद पाक जी, आ आ आ पढ़ेंगे, वक्त जा रहा है वक्त है और मैं इसी पे बस कर दूंगा, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, तो जवाब क्या है दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे रोते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तेरे को टाइम तेरे को सॉरी और टाइम है साडे लिए कोई जांजली टाइम मली में टाइम तेल ले टाइम मंगनी ले टाइम कलावे ले टाइम मरी ले टाइम नरान ले टाइम कगान ले टाइम नहीं टाइम ते साडे लिए नहीं टाइम नहीं हैं हैं सारे अपनी नमाज़ें पूरी करें जितने उलमा तशरीफ फरमाए अल्लाह सब की खैर फरमाए, क्योंकि तेवर बता रहे हैं कि बारिश आने वाली है, इससे पहले कि अल्लाह आपको सलामत रखे वमा अलैना।